नमस्कार सभी को, सभी बच्चों को नमस्कार। ए ट्रायंफ ऑफ सर्जरी जो है एक छोटे से कुत्ते की कहानी है, जिसमें उसकी मालकिन के अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण वह छोटा सा डोगी जो है बहुत मोटा हो जाता है, बहुत वह खा लेता है, खाना खा लेता है। वह हमेशा चिंतित रहती है तो उसे कुछ ना कुछ खिलाती रहती है। वह जो होती है हमेशा उसके लिए वरीड होती है, चिंता में रहती है और डॉक्टर के पास उसे दिखाने के लिए ले जाती है। और डॉक्टर कहते हैं कि मैं जब अपनी गाड़ी से उतरा तो मैं शॉक्ड रह गया था कि जिस प्रकार से उन्हें वो बड़ा मोटा सा कुत्ता दिखाई देता है और किस प्रकार से वो ऐसे लग रहा है जैसे उसके हर बॉडी के हर कॉर्नर से टांगे जो है उसकी बाहर आ रही थी। फिर वो डॉक्टर को बताती हैं उसकी मालकिन कुत्ते की कि वो बिल्कुल एनर्जी उसमें नहीं थी और उसे वो हमेशा उसके खाने के लिए चिंतित रहती थी। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। वो सोचती हैं कि उसे कुपोषण हुआ है, कुपोषण हुआ है तो ये सोचती हैं तो उसे कभी माल्ट देती हैं, कभी कोड लीवर ऑयल देती हैं और कभी हॉर्लिक्स भी देती हैं। उसका जो अपने कुत्ते के प्रति अत्यधिक प्यार होता है वो उसके लिए नुकसानदायी हो जाता है और इस तरह जो वो कुत्ता है एक ब्रेड की तरह हो जाता है, बस ऐसे लगता है कि एक मांस का लोथड़ा है और उसके चारों तरफ टांगे लगी हुई हैं। जब उससे बिल्कुल भी हिला डुला नहीं जाता और उसकी भूख बंद हो जाती है और उसे कुछ भी खाने से वोमिट आने लग जाती है तो मिसेस पैम्फ्रे उसे हैरियट के पास लेकर के जाते हैं, डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं और डॉक्टर जो है उसे हॉस्पिटल लेकर के चले जाते हैं। हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं तो द एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड एंड मेड जस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग दिस डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज, यानी कि उसका जितना भी आरामदारी का सामान है वो लेकर के आते हैं। और जब वो हॉस्पिटल में जाता है तो मिसिस पैम्फ्रे रोने लग जाती हैं उसे याद करके कि भाई अब ये चला जाएगा। तो उसका जो लगाव है यहाँ पर उसमें कहानी में दिखाया गया है। वहाँ पर जब ये हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसके लिए जो है बहुत सारे कुत्ते उसे तैयार के सामने मिलते हैं। जब उसे खाना खिलाया जाता है तो डॉक्टर वहाँ पर होता है और सभी बाउल्स में खाना लगा दिया जाता है। There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. सभी कुत्ते भाग करके खाना खाने लग जाते हैं और जब उनका खाना फिनिश हो जाता है और कुत्ता जो है घूमने लग जाता है। और ये जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था यानी कि साथ के कुत्तों के साथ वह घूमे फिरे, इस तरह से डॉक्टर उसको अलग तरीके से ट्रीटमेंट दे रहे थे और उसे कुछ खाना जो है लिमिटेड दिया गया था, कुछ उसके खाने पर कंट्रोल किया गया था। यहाँ पर हम देखें तो बात यह है कि कुछ इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप टिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट बट आई न्यू मिसिस पैम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड है आफ्टर ए फोर्टनाइट फेल्ड कंपेयर टू फोन। एक फोर्टनाइट के बाद मिसिस पैम्फ्रे डर जाती हैं और उनको फ़ोन करती हैं। विद इन मिनट्स आफ्टर अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्यू अप आउटसाइड द सर्जरी द शोफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पैम्फ्रे। वो इतना चिंतित हो जाती है कि उस डॉगी को देखने ही आ जाती है सर्जरी में। येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। फिर वो कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आप कार से मत उतरो, आपको वहाँ से उतरने की ज़रूरत नहीं है। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। फिर वो गार्डन में चले जाते हैं, वहाँ पर उन्हें बहुत सारे कुत्ते दिखाई देते हैं, कुछ बच्चे जो कुत्ते खेल रहे थे इधर उधर और वो जो मोटे हो गए थे वो आपस में खेल करके कंट्रोल्ड हो जाते हैं, उनका वजन जो है कंट्रोल हो जाता है। और वहाँ पर जो ये स्टिकी है इसका भी वजन थोड़ा कम हो जाता है और उसको उठा करके बाहर ले आते हैं। द शोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, और शोफर ने अभी भी कार का डोर खोल रखा था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज
मिस्ट्रेस, जब टिकी ने देखा कि उसकी मिस्ट्रेस आई है तो वह भाग करके उनकी गोद में